हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुकेंद ब्लॉग्स। गाइस, अभी सुबह हो रहा है और मैं बनाने वाली हूँ मेरी बेटी के लिए टिफ़िन। और टिफ़िन बनाना बहुत मुश्किल है, कभी कभी आसान होता है अगर आपके पास सामान रहने से। तो गाइस, यह आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कभी कभी मेरी बेटी का टिफ़िन को लेकर। तो आप लोग भी देखिए, और समय भी कम है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, चलते हैं किचन की ओर। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। चावल का पेनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रात को ही चावल भिगा के रख दिया था। चावल पाउडर मैंने ये मार्केट से लिया है, पिसा वाला, तो आप लोग भी ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैदा मिक्स किया है मैंने, थोड़ा सा बटर डाल दिया है, गरम हो गया है तो एक चम्मच डाल दे रहा है, गरम हो रही है। मैंने यहाँ पे एप्पल लिया है, इसके अंदर काट के भर दिया है, छोटा सा डब्बा है, इसमें मैं हमेशा फ्रूट्स डाल देती हूँ। इसको पलटते रहना है जब तक ये नहीं पकेगा। बेटी का ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे मैंने बटर गरम कर दिया है और ये पास्ता जो ठंडा करके रखा था वो मैंने डाल दिया है। कलर के लिए मैंने बीटरूट लिया है और ये बीटरूट का पानी डाल रही हूँ मैं। देखिए, ये कलर आ गया है। ये बन गया है, देखिए। चाहे तो आप अगर इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकता है। फिर आप चॉकलेट सिरप मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, वो ज़्यादा नहीं खाता है, वाला में डाल दिया है, पहला वाला में। दूसरा वाला मैंने ही डाला है। टिफिन पैकिंग हो गया है, अभी ब्रेकफास्ट है यार। आकांक्षा, दूध खत्म ही नहीं हुआ है। आकांक्षा, पास्ता फिनिश होने वाला है, नहीं पिएगा। ये मेरे लिए बनाया है तो मैं इसे चाय के साथ खाने वाली हूँ। इसको तोड़ देती हूँ मैं। आज फिर से मैं बनाने वाली हूँ टिफ़िन। मेरा पास ये थोड़ा सा नूडल है, जो बच गया था पूरा पैकेट से, वो मैं बनाने वाली हूँ। नूडल में आप ज़्यादा तो ये लकड़ी का स्पून ही यूज़ करें। नूडल बनने वाला है। मोमो का स्टीमर में रख दिया है ठंडा करने के लिए, और थोड़ा सा तेल लिया है और इसे डाल देना है और हिला देना है ताकि ना चिपके। मेरे पास ये बीटरूट है, प्याज गोभी गाजर बनाने से पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ कलर के लिए मैंने बीटरूट को ऐसे काटा है। बीटरूट को आप जैसे भी काटो उसका कलर जैसे भी निकलेगा। नहीं, देखिए, यहाँ से मैंने काटा है बीटरूट को, मैंने यहाँ पे छान के रख दिया है। देखिए कितना कलर निकला। देखिए, बस इतना से ही नूडल लेना है उसका टिफिन के लिए। इतना सा बटर, ज़्यादा नहीं डालना है। अलग सा है, फिर भी मेरे बेटी को यही पसंद है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज के लिए मैंने यहाँ पे काट के रखा है आलू। आलू को काटने के बाद आप धोना है, पड़ता है धो देने से इसका जो चिपकने वाला चीज़ है वो कम हो जाएगा। तेल रख दिया है मैंने गरम करने के लिए। तेल गरम हो गया है। आलू को धोने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा हार्ड हार्ड होता है। बीच बीच में हिलाते रहना है, नहीं तो एक साइड से जल जाएगा आलू। ये देखिए मेरा आलू कितना सुंदर से क्रंची होके निकला है, तो मैं अभी टिफिन में भरने वाली हूँ। ये है आज का टिफिन बॉक्स मेरा बेटी का। यहाँ पे एप्पल, फ्रेंच फ्राइज, नूडल, पिंक नूडल। टिफिन भर गया है, अभी डाल रही हूँ मैं बैग में। तो ये था आज का टिफिन का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।